पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामपुर के ज्वाला नगर क्षेत्र में पुल के पास आज जिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके दौरान भारी तादाद में अवैध रूप से बने सरकारी जगह पर मकान और दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। एसडीएम सदन ने बताया कि शासन और मुख्यमंत्री के आदेशों पर सभी जगह से अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है। उसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के रोड पर जिन लोगों ने कब्जा किया था उन्हें चिन्हित किया गया था, उन्हें अवगत भी कराया गया था। उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को वहां से हटा दिया था, लेकिन जिन लोगों ने अवगत कराने के बाद भी नहीं हटाया उन लोगों का अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। साथ ही एसडीएम ने बताया कि यह अतिक्रमण अभियान काफी समय से चल रहा है और इसी तरह से चलता रहेगा। जिन लोगों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखे हैं उन लोगों से अवैध कब्जों की जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स अतिक्रमण अभियान के साथ तैनात रहा। शासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में सभी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए जा रहे हैं। उसी क्रम में ये पीडब्ल्यूडी की रोड पे जिन जिन लोगों ने कब्जा किया था पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको चिन्हित किया, उनको नोटिस दिया, उन्हें अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी जो लोग नहीं हटाए हैं, कुछ लोगों ने हटा लिया, कुछ लोग नहीं हटाए, उनका अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो कितने दिन से चल रहा है ये प्रोग्राम? तो सतत चलता रहेगा, लगातार चल रहा है। बीच में और काम होने से एक दो दिन रुक जाता है, फिर चलता है। अरे इन लोगों को पहले वार्निंग भी दी गई थी पहले? सर अभी जैसे थोड़ा नहीं है, कुछ लोगों ने अपना मकान वकान खाली नहीं करा। जो लोग अपना खाली कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको हम दो दिन का समय और दे रहे हैं।